नमस्कार दोस्तों, इंफोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दो सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी महिंद्रा महिंद्रा को लेकर, जहां पर दोस्तों अब इस कंपनी के द्वारा डिसाइड कर लिया गया है कि अब वो हमारे देश में लार्ज स्केल पर ईवी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और करंटली इनके द्वारा हमारे देश की मल्टीपल स्टेट्स में लैंड को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। दोस्तों महिंद्रा महिंद्रा के द्वारा रिसेंटली उनकी 4-5 SUV लॉन्च की गई हैं और ऑलरेडी इन्होंने कुछ फॉरेन कंपनीज से 2,000 करोड़ रुपीज़ तक इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट कर लिया है। और क्योंकि अब हमारे देश का ऑटोमोबाइल सेक्टर भी काफ़ी बड़ा चेंज देख रहा है, तो इसी के चलते महिंद्रा एंड महिंद्रा के द्वारा टारगेट सेट किया गया है कि वो 2024 तक 2 लाख SUVs को पर ईयर सेल करेंगे। और एज ऑफ नाउ इनके द्वारा हमारे देश में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका एंड तेलंगाना, इन स्टेट्स में लैंड को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जहां पर इनके द्वारा लार्ज स्केल पर ईवी की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और एक काफ़ी बड़ा ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है कोल्हापुर एयरपोर्ट से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कोल्हापुर एयरपोर्ट पर एक्सपांशन का काम 60% तक कंप्लीट कर दिया गया है और अब मार्च 2023 तक इसको पूरी तरह से ऑपरेशनल किया जा सकेगा। दोस्तों महाराष्ट्र का कोल्हापुर एयरपोर्ट वैसे एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, लेकिन 2018 से इस एयरपोर्ट का जो ट्रैफिक है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि 2018 में इस एयरपोर्ट का ट्रैफिक 10,000 पैसेंजर्स पर था, जो आज के समय में 1 लाख प्लस पर चला गया है। इसके चलते मैंडेटरी हो जाता है कि इस एयरपोर्ट को एक्सपांड किया जाए और एज ऑफ नाउ हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कोल्हापुर एयरपोर्ट पर 4,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में एक न्यू टर्मिनल बिल्डिंग, न्यू ATC टावर, रनवे एक्सपांशन, एप्रन, आइसोलेशन बे, पार्किंग एरिया, इस तरह की चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है। एयर साइड फैसिलिटीज़ को पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया गया है। पार्किंग एरिया भी 50% तक कंप्लीट हो गया है, जबकि ATC टावर का काम भी 30-40% तक कंप्लीट हो गया है। और एक बार जब ये एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है तो बड़े एयरक्राफ्ट को भी यहाँ से ऑपरेट किया जा सकेगा। साथ साथ पी कार्स में ये एयरपोर्ट 300 पैसेंजर्स को ईजिली हैंडल कर पाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहां पर दोस्तों अशोक लेलैंड की सब्सिडरी कंपनी स्विच मोबिलिटी के द्वारा उनकी एक न्यू डबल डेकर बस को अनवेल कर दिया गया है और इसी तरह की 200 न्यू बसेस बहुत ही जल्द मुंबई में ऑपरेट होंगी। दोस्तों स्विच मोबिलिटी की जो डबल डेकर बस है ये एक प्योर इलेक्ट्रिक बस है, जिसको हमारे देश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस भी कहा जा रहा है। इस टाइप की एक सेमी फ्लोर एयर कंडीशन डबल डेकर बस की कॉस्ट 2 करोड़ रुपीज़ की है और ये सिंगल चार्ज में 250 किलोमीटर तक चल सकती है। कहा ऐसा गया है कि इस बस की कैपेसिटी 90 पैसेंजर्स की है और बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट यानी कि बस के द्वारा ऑलरेडी इस तरह की 200 बस का कॉन्ट्रैक्ट स्विच मोबिलिटी को दे दिया गया है। अगले 1-1.5 सालों के अंदर अंदर ये 200 डबल डेकर बस मुंबई में आपको ऑपरेट होती हुई देखने को मिलेंगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है चेन्नई मेट्रो को लेकर, जहां पर दोस्तों चेन्नई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा अब चेन्नई में जो वाटर बॉडीज हैं उनके अंडर टनल का कंस्ट्रक्शन किया जाना है और इसका कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने L&T को दे दिया है। दोस्तों CMRL के द्वारा करंटली जो Phase 2 है उसके ऊपर काम किया जा रहा है और एज ऑफ नाउ इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है काफ़ी अच्छी पेस से चल भी रहा है और अब इसी के अंतर्गत अडयार रिवर एंड चैटपट लेक इनके अंडर टनल्स का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। L&T के द्वारा अडयार रिवर के पास में जो सोइल टेस्टिंग है वो स्टार्ट कर दी गई है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि यहाँ पर टनल्स के कंस्ट्रक्शन के लिए किस तरह की मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी और फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो इसी के चलते हर 100 मीटर के डिस्टेंस पर सोइल टेस्टिंग की जाएगी। अगले 1 मंथ के अंदर अंदर अडयार रिवर के पास में जो सोइल टेस्टिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद चैटपट लेक के पास में भी जो सोइल टेस्टिंग का काम है वो स्टार्ट हो पाएगा। और तो चैटपट लेक के पास में सोइल टेस्टिंग का काम है वो हो सकता है थोड़ा सा लंबा भी चले, क्योंकि चैटपट लेक एरिया में सैंडस्टोन पाए जाते हैं, इसके चलते जो सोइल टेस्टिंग है उसको और भी ध्यान से किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र स्टेट में जो लैंड एक्विजिशन का काम है वह और भी फास्ट स्पीड पर डाल दिया गया है और एज ऑफ नाउ हमारी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा महाराष्ट्र स्टेट में 75.25% ऑफ लैंड महाराष्ट्र में एक्वायर कर ली गई है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल चेंज देखने को मिला है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर्स के लिए तो काफ़ी फेवरेबल रहा है। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर्स जो कि महाराष्ट्र में पेंडिंग थे या फिर जिन पर होल्ड लगाया गया था उनको महाराष्ट्र की न्यू गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। सिमिलरली मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से रिलेटेड जो लैंड एक्विजिशन का काम रुका हुआ था अब उसको भी फास्ट सर्विस पर डाला गया है और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा इसको लेकर एक अपडेट सामने रखी गई है। उस अपडेट के अकॉर्डिंग गुजरात में 98.08%, दादरा नगर हवेली में 100% एंड महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन का स्टेटस 75.25% पर पहुंच गया है। 162 किलोमीटर का पाइलिंग वर्क, 79.2 किलोमीटर का पियर वर्क और साबरमती टर्मिनल हब का काम भी 40% तक कंप्लीट कर दिया गया है। कहा ऐसा गया है कि महाराष्ट्र में इस प्रोजेक्ट को हर तरह की फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंटल क्लीयरेंस दे दी गई है, जिसके चलते अब इसका काम 2026-27 तक कंप्लीट हो सकता है।
अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों बांग्लादेश की पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए कोलकाता से त्रिपुरा तक जो कार्गो मूवमेंट का ट्रायल प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट कर लिया गया है और अब रेगुलर बेसिस पर कोलकाता से या फिर वेस्ट बंगाल की दूसरी जो पोर्ट्स हैं वहाँ से हमारे देश की नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में वाया बांग्लादेश कार्गो मूवमेंट होती हुई देखने को मिलेगी। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे देश से ट्रायल बेसिस पर जो कार्गो मूवमेंट है वो वाया बांग्लादेश स्टार्ट की गई है और अब कोलकाता पोर्ट से वाया मोंगला पोर्ट त्रिपुरा के सिरमपुर तक जो ट्रायल रन्स है वो कंप्लीट कर लिए गए हैं। कहा ऐसा गया है कि ये जो कार्गो मूवमेंट कंप्लीट हुई है और जो कार्गो अब त्रिपुरा के सिरमपुर में पहुंचा है उसको आगे असम के सिलचर तक पहुंचाया जाएगा। इससे पहले भी दोस्तों 2018 में जो अग्रीमेंट साइन किया गया था उसके अंडर चिटागोंग पोर्ट के थ्रू जो ट्रायल थे वो तो कंप्लीट कर लिए गए थे, लेकिन कोविड के चलते मोंगला पोर्ट के जो ट्रायल थे वो रुके हुए थे और अब क्योंकि मोंगला पोर्ट के थ्रू भी ट्रायल्स कंप्लीट हो गए हैं, बहुत ही जल्द हमारी इंडियन गवर्नमेंट बांग्लादेशी गवर्नमेंट के साथ में कार्गो की रेगुलर मूवमेंट को लेकर बातचीत करेगी और उसके बाद में आपको यहां पर रेगुलर मूवमेंट होती देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारे देश में हाइपरलूप सिस्टम को लेकर, जहां पर दोस्तों इंदौर बेस्ड अल्ट्रा स्पीड ट्रांसपोर्टेशन स्टार्टअप DGW हाइपरलूप के द्वारा डिसाइड किया गया है कि अब वो हमारे देश में एक हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक डेवलप करेंगे और इसके लिए ये हमारे देश की अलग अलग स्टेट्स में लैंड को एक्वायर करने में लगे हुए हैं। दोस्तों हाइपरलूप एज ऑफ नाउ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी कमर्शियली प्रूव नहीं हो पाई है और रफ एस्टिमेट के अकॉर्डिंग पर किलोमीटर हाइपरलूप को डेवलप करने के लिए 150 मिलियन रुपए स्पेंड करने पड़ सकते हैं, जो कि बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा कॉस्टली है और इसी के चलते और भी डिफिकल्ट हो जाता है कि एज ऑफ नाउ इसको कमर्शियली लॉन्च किया जा सके। वैसे जो DGW स्टार्टअप है इनके द्वारा दिल्ली से मुंबई के बीच में जो हाइपरलूप बनना है या फिर जो प्लान किया गया है उसकी प्रीलिमिनरी स्टडी कंप्लीट कर ली गई है और करंटली ये मध्य प्रदेश, तेलंगाना एंड राजस्थान इन तीनों स्टेट्स में 400 एकड़ ऑफ लैंड को एक्वायर करने में लगे हुए हैं या फिर यूं कह कि आइडेंटिफाई करने में लगे हुए हैं, जहां पर इनके द्वारा एक लॉन्ग रेंज टेस्ट ट्रैक और एक हाई स्पीड अल्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च सेंटर सेटअप किया जाएगा जहां पर हाइपरलूप की टेस्टिंग होगी। तो उसको देखते हैं कि इस पर आगे क्या डेवलपमेंट होती देखने को मिलती है, क्योंकि एज ऑफ नाउ हाइपरलूप एक कमर्शियली प्रूव टेक्नोलॉजी नहीं है और आपके इस पर क्या व्यूज़ हैं नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन UPI सिस्टम से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया गया है कि अब UPI को UK के मार्केट में भी उतारा जाएगा और इसके लिए उन्होंने UK बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर पे एक्सपर्ट के साथ में अग्रीमेंट में साइन कर लिया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में तो UPI काफ़ी लार्ज स्केल पर एक्सपांड हो चुका है और बहुत ही जल्द आपको ये ग्लोबली एक्सपांड होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि एज ऑफ नाउ नेपाल, भूटान, सिंगापुर, मलेशिया, UAE इन सभी कंट्रीज़ में किसी न किसी तरीके में UPI ऑपरेशनल है। फ्रांस के साथ में भी MOU साइन कर लिया गया है, बहुत ही जल्द फ्रांस में भी ऑपरेशनल हो जाएगा और अब UK लॉन्च से रिलेटेड भी MOU साइन हो गया है। इनिशियली UK में इसके जो QR बेस्ड सिस्टम है उसको इंस्टॉल किया जाएगा और वही ऑपरेशनल होगा और फर्दर मे बी इन फ्यूचर हमारे देश के जो रुपे कार्ड्स हैं उससे रिलेटेड पेमेंट्स भी UK में हो पाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।